पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वल्लभ विद्यानगर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इंडी गठबंधन ने लोगों को वोट जिहाद के लिए उकसाया है। इंडी गठबंधन ने मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देने को कहा है। लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद वोट जिहाद के लिए कहा जा रहा है। यह जिहाद किसके खिलाफ होता है आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात कर लोकतंत्र और संविधान का अपमान किया है। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है, हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है, जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है। इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।